लॉकडाउन के चलते मुरादाबाद की थाना मुंडा पांडे पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ तीन महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते सभी स्थानों पर पुलिस की अतिरिक्त चौकसी चल रही है, लेकिन इसके बाद भी शराब माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। मुरादाबाद का मुंडा पांडी क्षेत्र इसका सीधा प्रमाण है, क्योंकि पिछले दिनों एक स्कूली बस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करके लाखों रुपए की शराब लाते पकड़ी गई थी, लेकिन पुलिस ने सूचना के आधार पर देर रात जो छापेमारी की तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि 4.5 लाख रुपए की शराब अवैध रूप से एक मकान के हिस्से में छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने मौके से अलग अलग लेवल की शराब बरामद करते हुए तीन महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष नवाब सिंह का कहना है कि कुछ समय पहले स्कूल वैन में भी शराब पकड़ी गई थी, उसी के घर पर छापेमारी कर लाखों की शराब बरामद कर ली है। ये थाना मुंडा पांडे पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए 563 पेटी हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश मार्का की बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 42 लाख रुपये होगी। ये बताने योग्य है कि 15 मार्च को एक व्यक्ति को स्कूल बस में 85 पेटी अवैध रूप से परिवहन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में जेल में है। कल सूचना के आधार पर इसी के घर पर छापा मारा गया, जहां से ये सब बरामदगी हुई। इनके परिवार वाले इस कार्य में संलिप्त थे। इनकी चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक व्यक्ति फरार है। ये लॉकडाउन के दौरान ये अवैध कार्य कर रहे थे और इन्होंने अपने घर में एक गोदाम बना रखा था, जो नॉर्मली नहीं दिखता था, छुपा के रखा हुआ था। वहीं पे इन्होंने ये सारा स्टोर किया था और इन सब की गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।